का रिपीट भी कर देती हूं मैं आप सबको। वर्ब में कल पहली बात सिखा के गई थी, या तो इंग्लिश में वर्ब एक्शन दिखाता है या इंग्लिश में वर्ब स्टेट दिखाता है। एक्शन को मैंने कहा था मेन वर्ब होगा और स्टेट को मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब होगा। मेन वर्ब की पहचान देके गई थी हिंदी मीनिंग में ना मिलेगा या कितनी फॉर्म्स बनेंगी, पांच। पहली फॉर्म जो है आपकी इसमें प्लूरल मानी जाएगी और पांचवी फॉर्म कैसी, सिंगुलर। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, फोर्थ फॉर्म गेटिंग और फिफ्थ फॉर्म गेट्स। मेरी एक बात सुनना, बहुत से बच्चे थर्ड फॉर्म गोटन समझ रहे होते हैं, वो फॉरगेट के केस में होता है। अगर फॉरगेट है ना तो फॉरगोट फॉरगोटन होगा, जबकि गेट के केस में गॉट गॉट ही होगा। तो ये हमारी वी फोर और ये हमारी वी फाइव, यानी वी फाइव उसको कह रहे हो जिसपे क्या लगा है एस और ई एस, यानी कहीं पे कम्स लिखा है तो सिंगुलर है, कहीं पे गोज लिखा है तो सिंगुलर है, कहीं पे प्लेज लिखा है सिंगुलर है, और प्लूरल कौन सा हुआ जब एस हट गया, प्ले लिखा है प्लूरल है, ऐसे ही कम लिखा है प्लूरल है, गो लिखा है प्लूरल है। समझे बच्चों, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। अब आज मैं थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रही हूं, ये मैंने वो रिपीट किया है जो कल कराया था, आज आ रही हूं नई चीज पे, ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर मार्कर मैंने चेंज किया है ताकि आपको अच्छे से अलग से दिखाई दे। हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, वाज, एज, डज, ये हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर हैं। हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल आर, वर, हैव, डू, ये हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी भी होती है बच्चों जो सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। ऐसी कौन सी है, डिड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, हैड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। इसके अलावा सारी की सारी मॉडल ऑक्सिलरीज सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। तो हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर यानी एक वचन, हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल यानी बहुवचन, और डिड हैड और मॉडल क्या हो गई, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, यानी ये सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी आ सकती है और डबल के साथ भी। जैसे कि अगर मैं नेहा की बात कर रही हूं तो मुझे इज लगाना चाहिए, पर अगर मैं नेहा के साथ साथ मोहन की भी बात करने लग जाऊं तो अब सब्जेक्ट डबल हो गया, अब मुझे आर लगाना चाहिए। तो जहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, जहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल यानी एक से ज्यादा, आपकी वर्ब हो गई भाई प्लूरल। क्या हमें यहां तक की बात समझ में आई है, बताएंगे एक बार। ये हमने कर लिया भाई वर्ब का बेसिक, दोबारा से रिपीट। अब मैं वो चीज पढ़ा रही हूं जहां से एग्जाम्स में आता है, वर्ब का वो हिस्सा शुरू कर रही हूं जहां से किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं और चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब्स हैं। दोनों तरह की नौकरियों में वर्ब कैसे आएगा वो सिखा रही हूं। ट्रिक नंबर वन, आपको पीडीएफ में ये मिलेगी ट्रिक नंबर टू की जगह पे, क्योंकि वन में कल बता के चली गई थी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो एग्जाम्स में आने वाली ट्रिक नंबर वन, या ग्रामर में इसको कहेंगे रूल नंबर वन, किसी का ध्यान भटक गया हो तो स्क्रीन पे आ जाइए, क्योंकि अब मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ानी शुरू कर रही हूं। हर ट्रिक की एक पहचान होती है, जैसे एग्जामिनर अगर ये वाली ट्रिक पेपर में पूछेगा ना तो वो सेंटेंस में लिखेगा एंड नॉट, वो सेंटेंस में लिखेगा एज वेल एज, सेंटेंस में हमें दिखाई देगा अलोंग विद, हमें बिना हिंदी बनाए एरर आना चाहिए। पेपर में इतना समय नहीं होता कि पहले आप हिंदी बनाओ और फिर उसको एरर को सॉल्व करो, तो आपको सीधा ये शब्द याद रखने हैं जो मैं आपको सिखा रही हूं, सारे लिखूंगी बोर्ड पे, नोट्स में मैंने डाले भी हुए हैं सारे। ये ट्रिक की पहचान है जो मैं फिलहाल आपके सामने लिखने लग रही हूं। एडिशन टू, इन एडिशन टू भी कह देते हैं इसको। इसके अलावा ट्रिक की पहचान में आएगा लाइक और डिसलाइक। देखो ये जो शब्द आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, इन्हें ग्रामर में कंजंक्शन कहा जाता है।
कंजंक्शन का काम होता है आपस में जोड़ना। तो ये सारे के सारे शब्द ना दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको शब्द दिख रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द आपस में जोड़ते हैं। किसको? दो सब्जेक्ट्स को। कैसे जोड़ते हैं भाई? मैंने कहा ही एंड नॉट आई एम डूइंग इट। बेटा आप ध्यान मेरी तरफ रखना, क्योंकि ऐप पे मैं आप लोगों के बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं हूं कि आपकी स्कूलिंग कहां से है, किस एज ग्रुप के आप हो, हरियाणा के या इंडिया के कौन से क्षेत्र से आप मेरी क्लास लगा रहे हैं। जिस वजह से हो सकता है इंग्लिश थोड़ी अटपटी लगे उन्हें जो बहुत सालों बाद पढ़ रहे हैं, या जिन्हें इंग्लिश से कुछ खास सा लगाव नहीं रहा है आज तक, तो उन सभी बच्चों को मेरी ये सलाह होगी कि अब जो चीज मैंने शुरू कर दी है नजर बोर्ड से ना हटाए, क्योंकि अभी कनेक्शन नहीं बना तो आगे आपको दिक्कत आने लग जाएगी हर टॉपिक में। तो जहां समझ नहीं आए आप बोलिएगा, फिलहाल मुझे ध्यान से सुनते रहो। मैंने कहा ये शब्द जहां भी आएंगे दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, एक सब्जेक्ट आगे एक सब्जेक्ट पीछे। मैंने अपनी स्पीड भी बहुत स्लो कर रखी है ताकि मैं आप सबको जान सकूं कि किस तरह के बच्चे जुड़े हैं, उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा लूंगी। अभी मैं बहुत स्लो चल रही हूं, मेरी नॉर्मल स्पीड से बहुत कम है फिलहाल। ये शब्द जहां भी आएंगे दो सब्जेक्ट मिलेंगे, एक आगे एक पीछे। देखो मेरे क्वेश्चन को मैं आपको मार्कर से करके बताती हूं। एंड नॉट, ये हमने ट्रिक को पकड़ लिया, ये शब्द याद रखने पड़ेंगे तो ही ट्रिक सेंटेंस में दिखाई देगी। अब एंड नॉट कह रहा है एक सब्जेक्ट आगे मिलेगा है, एक सब्जेक्ट पीछे मिलेगा है। अब बात क्या है, रूल क्या है, ट्रिक क्या है, क्या कह रही है? ये शब्द जहां पे भी आएंगे आपने सब्जेक्ट नंबर वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ना कि टू के अकॉर्डिंग। ये ट्रिक आपको ये कह रही है कि इन शब्दों को याद रखो, जहां भी ये शब्द आपको मिल जाए सब्जेक्ट नंबर वन के हिसाब से वर्ब लगाओगे, टू के हिसाब से नहीं। क्योंकि ये सारे शब्द कहते हैं हम तो पहले की बात करेंगे दूसरे की नहीं, हम तो पहले की बात करेंगे दूसरे की नहीं। बोलो एक बार लिखो, कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे? फर्स्ट की। सेकंड सब्जेक्ट की बात हम नहीं करेंगे। कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे? फर्स्ट की। सेकंड सब्जेक्ट की बात हम नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट नंबर वन के हिसाब से क्या लगानी है बेटा? वर्ब लगानी है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, एंड नॉट दिख रहा है हमें? बिल्कुल दिख रहा है। हमें दूसरे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हम तो बात किसकी कर रहे हैं? सब्जेक्ट नंबर वन की। तो ही के लिए इंग्लिश में एम नहीं लगता, क्या लगता है? इज। तो हमारा एरर क्या था? एम की जगह इज लगाना था। इस चीज के आपको पेपर में नंबर मिलते हैं। एम की जगह क्या लगेगा? इज लगेगा। तो सही सेंटेंस क्या बना? ही एंड नॉट आई इज डूइंग इट। जिन्हें ग्रामर नहीं आती है ना, वो अगर इस सेंटेंस को पढ़े तो बहुत अटपटा लगेगा, बिल्कुल नहीं जचेगा, सोचेंगे क्या पढ़ा रहे और पता नहीं हमारा तो दिमाग घुमा दिया, आज तक हमने ऐसी लाइन कहीं देखी नहीं थी। यही ग्रामर का मजा है। नॉर्मल ज्ञान तो सबके पास है, स्पेसिफिक ज्ञान से नौकरी मिलती है, स्पेसिफिक ज्ञान से आप दुनिया में कुछ बन पाते हैं। हिंदी टूटी फूटी सब बना लेते हैं, लॉजिकल एरर देखना आना चाहिए। तो लॉजिकल एरर कह रहा है ये शब्द जहां पे भी दिखे सब्जेक्ट नंबर वन की क्या लगाओ? वर्ब। मेरा सब्जेक्ट नंबर वन था ही, तो वर्ब हो गई इज। हमारा इंग्लिश करने का तरीका है जच रहा है कि नहीं, हमारा इंग्लिश करने का तरीका हिंदी बन रही है कि नहीं, हालांकि हमें सही हिंदी बनाने भी नहीं आते, टूटी फूटी हिंदी फिट करने लग जाएंगे। हमारा इंग्लिश करने का तरीका है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, क्योंकि इंग्लिश सही मायनों में आती है। बेसिक सुधारो, ट्रिक सीखो, बेसिक सुधारो, ट्रिक सीखो। कल तक मैं आपको बेसिक पढ़ा रही थी, आज मैंने ट्रिक सिखाने तुम्हें शुरू कर दी है, और ये पहली ट्रिक बोर्ड पे समझाई है। जनरल इंग्लिश में पता रजनी इसको कैसे बोलते हैं? ध्यान से सुनो, मैं बोल के बता रही हूँ। ही इज डूइंग इट एंड नॉट आई। सिंपल इंग्लिश ऐसे बोलेंगे लोग, ही इज डूइंग इट एंड नॉट आई। हमें लगेगा सही है, अब हमें सही लगेगा ही इज डूइंग इट एंड नॉट आई, इसमें सही लग रहा है, क्योंकि हम ऐसा सुनते हैं। जबकि पेपर में तो ऐसा लिखेगा वो, चाहे डीएसएसबी है, एसएससी है, हरियाणा है, पुलिस सर्विसेज है, एयरफोर्स है, डिफेंस है, ऐसे आएगा एरर। अब हमारा बच्चा जचाने बैठ जाएगा तो आई के साथ तो एम को ही जचाएगा। जिसको ज्ञान है वही बताएगा कि एम की जगह क्या आना चाहिए? इज। तो सही वाक्य क्या तैयार हुआ? ही एंड नॉट आई इज डूइंग इट। हिंदी बना रही हूं आपकी तसल्ली के लिए। वह ना कि मैं इस काम को कर रहा है, वह ना कि मैं, वह ना कि मैं इस काम को कर रहा है। तो काम को कौन कर रहा है? वह कर रहा है, ना कि मैं। बात किसकी हो रही है? वह की हो रही है। वह किसकी आएगी? वह की आएगी। तो दिखने में लगा था आई के लिए आनी चाहिए, पर लॉजिक तो ही की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो आप सबका काम है बेटा इन शब्दों को दिमाग में छापना, और ये कैसे छपेंगे? प्रैक्टिस से। रट्टा मत मारने लग जाना।
यहाँ करने लग जाओ एंड नॉट एज वेल एज अलॉन्ग विद वेट टुगेदर, ऐसे घुटना नहीं है इनको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो ये शब्द प्रैक्टिस से याद होंगे, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है। इसकी कुछ प्रैक्टिस कराती हूँ, आइए। हाँ जी, रूल नंबर टू आपकी पीडीएफ में मिलेगा। देखो नीचे दिए गए कंजंक्शंस, ये सारे मैंने लिखे थे बोर्ड पे, याद करो। लाइक, डिसलाइक, बिसाइड्स, एडिशन टू, एंड नॉट, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, रेदर देन, एज वेल एज। क्या कह रहे हैं? नीचे दिए गए ये सारे कंजंक्शंस हमेशा अपनी वर्ब सब्जेक्ट नंबर वन, क्योंकि वही मेन सब्जेक्ट है, उसके अनुसार लेते हैं। तो हमें सब्जेक्ट नंबर दो से कोई मतलब नहीं है, हमारी वर्ब किसके हिसाब से चलेगी? वन के हिसाब से। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगी, सबने सॉल्व करने हैं। आंसर्स मैंने हाइड कर दिए हैं पैनल पे से, लीजिए। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ रूल नंबर टू करिए। पांचों क्वेश्चन के आंसर दो। अलोंग विद हमारी ट्रिक की पहचान थी, और अलोंग विद कहता है बाद वाले की नहीं, मैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लूंगा। और पहला सब्जेक्ट है ऋतिक, देखो सिंगुलर है, आर की जगह होना चाहिए इज, ये एरर था। एग्जाम में आपको कहना है बी पार्ट गलत है, एग्जाम में आप सर्कल करके आओगे बी पार्ट गलत है, वहां पे सही नहीं करना होता पेपर में, सिर्फ ये बताना होता है बी में गलती है। पर मैं हमेशा सही करना भी सिखाऊंगी, तभी तो माना जाएगा इंग्लिश आ गई। एज वेल एज ट्रिक की पहचान था, हमें बाद वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमारी वर्ब आएगी सब्जेक्ट नंबर वन की। तो सिल्वर तो सिंगुलर है, हैव प्लूरल वर्ब होता है, हैव को बदलना था किसमें? एज में। इस तरीके से पेपर में करना है, सिर्फ यूं बोलना है बी पार्ट, आपको सही नहीं करना होता एग्जाम में, मैं सही करना सिखाऊंगी बेटा। अलोंग विथ रूल की पहचान है, पार्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हम वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट नंबर वन की। जर्नलिस्ट सिंगुलर है, तो वर्ब होनी चाहिए थी सिंगुलर, जबकि वर्ब कैसा है? प्लूरल है, वर्ब की जगह बन गया वॉज। विद आ गया भाई, फिर से विद आ गया, विद कह रहा है बाद वाले की नहीं, पहले सब्जेक्ट की बात करूंगा। पहला सब्जेक्ट हमें दिखा है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब नहीं, क्या होना चाहिए था? वॉज। पांचवें क्वेश्चन में फिर से अलोंग विद रूल की पहचान है, ट्रिक की पहचान है, बाद वाले से हमें मतलब नहीं, कमांडर से, हम तो बात किसकी कर रहे हैं? सोल्जर्स की। पर अब की बार सोल्जर्स कैसे हैं? प्लूरल। और वर्ब कैसे लगा थी? वॉज, जो कि सिंगुलर है, तो वॉज को क्या बनाने के नंबर आएंगे पेपर में? वर्ब बनाने के। ये वो ट्रिक है बेटा जो पिछले तीन सालों में हरियाणा के हर पेपर में आई है। टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस के एग्जाम्स उठा के देखना, कोई पेपर आपने दिया हो तो आपको ये ट्रिक उन सब पेपर में दिखाई देगी। इन सब पेपर के 90% बार आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाई है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो एक बार बताना पांचों किस किस के ठीक थे। हर ट्रिक के नीचे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं और सामने आंसर है, ऊपर एक्सप्लेनेशन है। ये हमने एक ट्रिक सीख ली, अब मैं बढ़ रही हूं ट्रिक नंबर थ्री आपके सामने। पैनल पे ही समझा दूंगी, ये वो नोट्स ओपन कर लिए हैं मैंने, ताकि कोई गलती हो टाइपिंग की तो मुझे साथ के साथ पता लग जाए। ये लो, आ जाओ। अगले ट्रिक आपको सिखा रही हूं, ये शब्द याद रखने हैं मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप वाले बच्चे। एनी ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, इसको भी बहुत लोग आइदर नाइदर करते हैं, ईदर नीदर। एनी ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ये है इंग्लिश में फ्रेजेस, इन्हें इंग्लिश कहती है फ्रेज। फ्रेज उन शब्दों को कहा जाता है जिनका मीनिंग पूरा नहीं होता, अधूरे शब्दों का ग्रुप, अधूरे शब्दों का ग्रुप। जैसे कि मैं बोलूं इन द कॉर्नर, अब ध्यान से देखो इसमें एक दो तीन शब्द है लेकिन मीनिंग पूरा नहीं है, तो इसे इंग्लिश कहती है फ्रेज। ऐसा शब्दों का ग्रुप जिसका मीनिंग हमेशा क्या हो? अधूरा हो। ऐसे शब्दों का ग्रुप जिसमें मीनिंग कैसा आ रहा है? अधूरा आ रहा है, उसे इंग्लिश क्या कहती है? फ्रेज कहती है। तो ये सारे हैं फ्रेजेस,
ये पूरे तब होते हैं जब इन्हें कहां इस्तेमाल कर दिया जाए सेंटेंस में। ये कब पूरे होते हैं जब इन्हें कहां इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। तो आपके पेपर में एग्जामिनर इन फ्रेजेस को सेंटेंस में लगा के देगा। अब हमें करना क्या है, ये सारे के सारे फ्रेज कहते हैं हमारे साथ सब्जेक्ट तो हमेशा प्लूरल आएगा पर वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो हमारे बच्चे को क्या याद करना है, आप सबको क्या ध्यान करना है, इन शब्दों को याद रखना है। ये शब्द जहां भी आएंगे सब्जेक्ट को प्लूरल रखेंगे जबकि वर्ब को सिंगुलर। कैसे, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं, बोर्ड पे नजर रखिएगा। मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज इज हियर, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, वन ऑफ द बॉयज। अब वन ऑफ देखते ही हमारे बच्चे को याद आना चाहिए, ये वाली ट्रिक है, प्रैक्टिस से आएगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आएगी, एकदम से जादू की छड़ी किसी अध्यापक के पास नहीं है कि सिखा दे। वन ऑफ देखते ही याद आना चाहिए, ये ट्रिक है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर, मेरी गलती है, मैं दूसरा रूल बोल ली, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो इसीलिए मैंने बॉयज को प्लूरल लिखा है और इज को सिंगुलर, क्योंकि जहां भी ये शब्द आएंगे सब्जेक्ट प्लूरल चलेगा और वर्ब सिंगुलर चलेगी। देखो मेरे स्क्रीन पे टाइप द एग्जांपल क्या है, वन ऑफ स्टूडेंट्स इज, क्योंकि वन ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए और वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये फ्रेजेस हमेशा सब्जेक्ट को प्लूरल और वर्ब को सिंगुलर रखते है। ये नोट्स है जो मैंने आपको ऐप पे दिए हुए हैं, वही ओपन कर रखे हैं, तो आपको खूब क्लियरिटी से मैंने इसमें सब लिख के भी रखा है। तो इन शब्दों को हम देखेंगे और सब्जेक्ट को प्लूरल रखेंगे और वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। देखो आओ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको नीचे पांच क्वेश्चन मिले हैं इसमें भी, एक बार पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी। ईदर ऑफ ट्रिक की पहचान, ईदर ऑफ ट्रिक में था और कह रहा था सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा, सही है, पर वर्ब सिंगुलर लूंगा। वर्ब कहां है, हैव, ये इधर है, मैं आगे ढूंढ रही हूं। हैव की जगह क्या हो रहा था भाई, हैज। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसलिए वर्ब आगे आती है। इंटरोगेटिव और सिंपल का फर्क भी जिन्हें नहीं पता, जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले मिलेगी और जब भी सेंटेंस सिंपल होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में मिलेगी। ये सीधा पता लगाने का तरीका। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंटरोगेटिव है, इसलिए मैं वर्ब आगे ढूंढने लग रही हूँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा ना, वो पहले ही थी। हैव को क्या बनाना है, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए प्लूरल और वर्ब चाहिए सिंगुलर। मैं मार्कर को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। वन ऑफ ट्रिक की पहचान है, सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए लगा रखा है पर वर्ब गलत लगा दी क्योंकि वर्ब कैसे चाहिए सिंगुलर। ईच ऑफ कहता है फिर से सब्जेक्ट चाहिए प्लूरल जबकि वर्ब चाहिए सिंगुलर। हैव की जगह हैज, सब्जेक्ट चाहिए प्लूरल वर्ब चाहिए सिंगुलर। फोर्थ क्वेश्चन, नन ऑफ भी रूल की पहचान में है, नन ऑफ भी रूल को फॉलो करता है। नन ऑफ क्या कहता है, सब्जेक्ट चाहिए प्लूरल और वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो हैव का क्या बनाना था, हैज बनाना था। नीदर ऑफ क्या कहता है, मुझे भी सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए और वर्ब सिंगुलर। बेटा ये ट्रिक्स हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होंगी। जो बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे हैं इंग्लिश में उनको मेरी सलाह होगी, मेरी हर क्लास को दोबारा